हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और इन्हें देखिए कैसे इन्होंने हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं इस गेम से बताया है। इन्हें ऐसे खेलते देखने के बाद बाकियों को छोड़ो डायनमो इनके इतने बड़े फैन हो गए थे कि उन्होंने कनी को अपने क्लैन में शामिल कर लिया। आप चाहे इसे इनका स्किल कह लीजिए या डायनमो की दाश, मैं तो इसे इनका तरीका ही बोलूंगा। और ऐसा ही तरीका उस तोड़ू प्लेयर का भी है जिनके गेमिंग स्किल्स को देखते हुए मॉर्टल ने उन्हें एसेट यूएल सोल क्लैन में एज अ कंटेंट क्रिएटर साइन किया है। लेकिन उनके स्किल्स में ऐसा क्या खास है? इसका जवाब तो उनके किल में है। पर इस लिस्ट में कश गेमिंग भी है जिनके स्किल्स ने उन्हें इतने ऊपर पहुंचा दिया है कि उनके नेटवर्थ इंडिया के स्पोर्ट्स खेलने वाले टॉप प्लेयर से भी ज्यादा है। लेकिन क्या इस उपलब्धि की वजह से वाकई उनके गेम्स में छक्के छुड़ा देने वाले स्किल्स हैं या ये सब उनके लड़की होने का फायदा है? वेल, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे हम इन आवर टुडेज वीडियो, इंडियन फीमेल गेमर्स जो लड़कों के छक्के छुड़ा देती हैं। नंबर वन, कनी गेमिंग। इन्हें आजकल आप भले BGMI खेलते देखते हैं, लेकिन एक वक्त था जब इन्होंने PUBG इतना ज्यादा खेला था कि उन्हें हाइड्रा ने भी अपने स्ट्रीम में फीचर किया था। और यहीं से कनी गेमिंग कनिका बिस्ट के पॉपुलर होने की शुरुआत हुई थी जिन्हें आप सब हाइड्रा डायनमो की वजह से जानते हैं। हालांकि डायनमो के साथ खेलने से पहले कनिका ने अपने चैनल पर स्ट्रीमिंग शुरू कर दी थी, जिस पर ये इतनी पॉपुलर हुई थी कि PUBG पर पॉपुलरिटी रैंकिंग में इन्हें 2 मिलियन व्यूज मिले थे। फिर अपनी इसी पॉपुलरिटी को और बढ़ाने के लिए इन्होंने अपने चैनल का नाम हाइड्रा कनी रख दिया था। और जब कुछ वक्त बाद इन्हें पॉपुलरिटी मिलने लगी तब इन्होंने उसे बदलकर कनी गेमिंग कर दिया। वैसे शुरुआत में स्ट्रीमिंग के दौरान कनिका सिर्फ वॉइस ओवर ही करती थी, लेकिन डायनमो के सजेशन पर इन्होंने फेस कैम करना भी स्टार्ट कर दिया। और हाल फिलहाल में ये BGMI विद फोर फिंगर क्लॉ एंड गैरो आर ऑन के साथ खेलती हैं, साथ ही कभी कभी कॉल ऑफ ड्यूटी पर वीडियोस भी बनाती हैं। नंबर टू, Mio16K। अगर आप सब इन्हें नहीं पहचान पा रहे हैं तो मैं बता दूं, ये वही हैं जो थाईलैंड में हुए इंटरनेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली पहली लड़की हैं, क्योंकि मियो के एक प्रोफेशनल CS:GO प्लेयर हैं जो ग्लोबल स्पोर्ट्स के लिए खेलती हैं। और इनके गेमिंग स्किल्स का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन्होंने अपनी टीम के साथ स्काई स्पोर्ट्स वैलोरेंट लीग 2020 में ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया था बल्कि उसमें दूसरे सभी प्लेयर्स को कांटे की टक्कर दी थी। हालांकि इन कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने वाली सलोनी ने अपनी जर्नी की शुरुआत बोरियस से की थी, क्योंकि सलोनी ने बचपन में सिर्फ अपने भाई को वीडियो गेम्स खेलते देखा था। और एक दिन जब घर में अकेले उन्हें बोर होने लगा तब टाइम पास करने के लिए वो भी CS 1.6 ऑफलाइन खेलने लगी, जिसमें उन्हें काफी मजा आया। गेम खेलकर मजा आने के बाद फिर अपने फ्रेंड से मिलने वाली नसीहत से उन्होंने 2016 में अपने गेमिंग स्किल्स को चैनल बनाकर स्ट्रीम करना शुरू किया, जिस पर ठीक ठीक रिस्पांस भी आ रहे थे। लेकिन सलोनी के लिए ये सब अधूरा था क्योंकि उन्हें प्रोफेशनली CS:GO खेलकर उसे स्ट्रीम करना था। और फिर दिन रात की प्रैक्टिस के बाद उन्होंने फाइनली CS:GO को स्ट्रीम करने का अपना सपना पूरा किया। आपको बता दूं, जिस वक्त Mio16K ने CS:GO की स्ट्रीमिंग स्टार्ट की थी उस वक्त वो इंडिया की पहली फीमेल प्लेयर थी जो न सिर्फ CS:GO को स्ट्रीम करती थी बल्कि उसे प्रोफेशनली खेलती भी थी। नंबर थ्री, शर्लॉक। सुनते हो गेमिंग वालों, ये वो हैं जो PUBG मोबाइल क्लैन ओपन को खेलने वाली पहली लड़की हैं। ये वो हैं जो सिनर्जी स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए BGMI प्रोफेशनली खेलती हैं। अब भी नहीं समझे भाई, मैं मोनिका जेफ की बात कर रहा हूँ जिनके शर्लॉक चैनल पर आप सब लाइव स्ट्रीमिंग बड़े मजे से देखते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली इन्होंने अपने कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत किसी लाइव स्ट्रीमिंग में अपने गेमिंग स्किल्स दिखाकर की थी, जिसके बाद उन्होंने SATUL e-sports के लिए कंटेंट बनाना शुरू किया। और एज अ रिजल्ट आज उनके चैनल पर 145K सब्सक्राइबर्स हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि ये उन सिलेक्टिव फीमेल प्लेयर्स में से एक हैं जिन्होंने कम्युनिटी गेम्स को प्रोफेशनली खेलते हुए हमारी कंट्री के दूसरे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स जैसे जोनाथन स्काउट को स्ट्रीम में मुंह तोड़ जवाब अपने गेम से दिया है। और अपने इसी स्किल के साथ शर्लॉक ने 2019 में PUBG मोबाइल क्लब ओपन में सिनर्जी रिट्रीब्यूशन को स्टेज पर रिप्रेजेंट भी किया था, क्योंकि तब ये PUBG लाइक अ प्रो खेलती थी। हालांकि अब अपने ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए शर्लॉक वैलोरेंट एपेक्स लेजेंड्स एंड स्टोरी मोड जैसे गेम्स भी खेलने लगी हैं, जिसमें ऑडियंस को सबसे ज्यादा मजा उनके वैलोरेंट मॉन्टेजेस को देखने में आता है। नंबर फोर, कश प्लेयर। अब उनकी बात करते हैं जिनकी गेमिंग स्किल्स इतनी लाजवाब हैं कि उनके उसी स्किल्स ने उनकी नेटवर्थ 75 लाख रुपए कर दी है, जो जोनाथन से 3 गुना ज्यादा है। इन्हें आप सब काश प्लेयर के नाम से जानते हैं जिनका असली नाम काशवी हीरानंदानी है। ये अपने BGMI स्ट्रीमिंग के लिए इतनी ज्यादा फेमस हैं कि लाखों लोग एक बार में इनके स्ट्रीम को देखते हैं। हालांकि ये लाखों लोग काश के साथ शुरू से नहीं रहे हैं, क्योंकि 2020 में इन्होंने जब अपना चैनल शुरू कर उस पे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की वीडियो अपलोड की थी
तब उन्हें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिले थे। इसके बाद काशवी ने कॉल ऑफ ड्यूटी से अपना फोकस हटाते हुए इट टेक टू, माइनक्राफ्ट जैसे गेम्स खेलना शुरू किया, लेकिन उसके बाद भी मामला कुछ जम नहीं रहा था क्योंकि स्ट्रीमिंग की दुनिया में अब भी गिने चुने लोग ही उन्हें जानते थे। फिर इनकी किस्मत ने करवट तब बदली जब BGMI इंडिया में लॉन्च हुआ और बाकी गेमर्स की तरह BGMI की पॉपुलरिटी देख काश ने भी उसकी स्ट्रीमिंग रोजाना करना शुरू कर दी एंड एज अ रिजल्ट उनकी फैन फॉलोइंग इस हद तक बढ़ने लगी कि आज उनके चैनल पर 414K सब्सक्राइबर्स हैं, जिसकी वजह है स्ट्रीमिंग के वक्त उनकी मीठी आवाज वाली इन्वॉल्विंग कमेंट्रीज। नंबर 5, RAV3N। ये मोहतरमा वो हैं जिन्होंने गेम्स के साथ कभी हाँ कभी ना कर करके गेमिंग दुनिया में अपना कदम ऐसा रखा कि उनके साथ मॉडल ने भी कोलैबोरेट किया था, और उनके यहाँ तक पहुँचने की वजह पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट की कमी थी, इसीलिए जैसे ही इन्होंने 11th पास किया वो पबजी खेलने में लग गयी। फिर उनकी इसी आदत को बढ़ावा उनके दोस्त ने दिया, जिसने रेवन को मोबाइल्स पर गेम खेलकर उन्हें स्ट्रीम करने की सलाह दी, लेकिन उन्हें इसे सीखने में काफी वक्त लग रहा था, जिस वजह से एक वक्त बाद उन्होंने पबजी खेलना ही बंद कर दिया था क्योंकि गेम का इनिशियल फेज उनके लिए ऐसा था कि वो यूट्यूबर्स के बनाए हुए पबजी रूम में जाती थी और उसके बदले में उन्हें ही अपना दुश्मन समझकर मार देती थी। ये सब परिधि रेवन के लिए थोड़ा डीमोटिवेटिंग था। उस पर उनकी फैमिली भी थोड़े पुराने ख्यालों वाली थी, जो एक लड़की के गेमर बनने वाली बात को सपोर्ट नहीं करती थी। फिर भी हार न मानते हुए 2016 में उन्होंने अपना YouTube चैनल शुरू किया, जहां उन्होंने धीरे धीरे गेम खेलना सीखा और फिर उन्हें उनकी मेहनत का फल सब्सक्राइबर्स और फेम के रूप में मिलने लगा। इसके बाद एक वक्त ऐसा आया जब उनकी गेम्स को देखकर मॉर्टल ने भी उनके साथ कोलैबोरेट करके गेम खेला था। नंबर 6, वेंडरर्स लाइव। ये आवाज आपको जानी पहचानी सी नहीं लग रही? हमारे घर में आ गए हैं कुछ चोर, और ये ऐसे वैसे चोर नहीं है, ये बहुत ही खूनखार शैतानी चोर। लेकिन याद नहीं आ रहा ये कौन है? वेल, मैं बता देता हूँ, ये है हमारी वेंडरर्स लाइव उर्फ वेंडरर्स हब उर्फ प्रेरणा मल्हान, जिन्हें आपने कई तरह के गेम्स स्ट्रीम करते देखा होगा, पर इनके स्ट्रीमिंग को सबसे ज्यादा मजेदार इनकी इस तरह की फनी कमेंट्रीज बनाती हैं। चोर मेरे घर के अंदर बैठे, ये भी ठीक है, ठीक है। चलो गाइस, डोर्स खोल खोल के हम अंदर आ गए हैं, यहाँ से मैं कलेक्ट करना है कोई कोई चीजें, जिसमें ये ऑडियंस को अपने गेम का हिस्सा ऐसे बना लेती हैं जैसे वो गेम प्रेरणा नहीं बल्कि ऑडियंस ही खेल रही हो। हालांकि अपने इस चैनल पर प्रेरणा सिर्फ गेम्स स्ट्रीम ही नहीं करती, बल्कि उस पर नए नए गेमिंग ट्रेंड से रिलेटेड वीडियोस, रिव्यूज, चैलेंजेस जैसी सभी चीजें करती हैं। वैसे तो मैंने आप सबको इनके बारे में काफी कुछ बता दिया है, फिर भी अगर आप इन्हें नहीं पहचान पाए हैं तो मैं बता दूं, ये दीदी ट्रिगर्ड इंसान की दीदी है, और अपने भाई के ही कहने पर इन्होंने अपनी जॉब छोड़कर पहले अपने ट्रैवलिंग पैशन को दुनिया को दिखाने के लिए लाइव यूट्यूब चैनल बनाया। फिर जब उस पर इन्हें अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा तो इन्होंने नए नए गेम्स खेलने की आदत को भी चैनल बनाकर स्ट्रीम करना शुरू कर दिया। नंबर 7, पायल गेमिंग। आई नो इनका नाम ही इनके बारे में बताने के लिए काफी है, फिर भी मैं बता दूं, पायल दीदी बहुत ही ज्यादा स्किल्ड FPP प्लेयर हैं, जो हाईएस्ट टीयर से कॉन्क्यूरर तक जा पहुंची हैं। अब यूं तो पायल ने 2019 में चैनल बनाकर उस पे स्ट्रीमिंग करना शुरू कर दिया था, लेकिन ये काम उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किया था। इनफैक्ट इसका सुझाव उन्हें घातक ने दिया था और उनसे कहा था कि पबजी अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर गेम है, तो वो उसे डाउनलोड कर खेल सकती हैं। फिर जब पायल इस गेम को खेलने में प्रो हो गई, तब उन्होंने उसकी स्ट्रीमिंग शुरू कर दी, लेकिन शुरू में वो गेमिंग के वक्त यूट्यूब पर सिर्फ वॉइस ओवर करती थी। ये बात उनके फैंस को गवारा नहीं थी, और फिर अपने फैंस की रिक्वेस्ट पर पायल ने फेस कैम करना शुरू किया था, जिसके बाद उनके इसी प्रो लेवल गेमिंग को देखते हुए पायल एंटिटी गेमिंग के साथ खेलते हुए उनके लिए कॉन्टेंट भी बनाने लगी, और आज की डेट में वो प्रोफेशनली एंटिटी क्लैन के लिए खेलती हैं। जिस पायल को आप सब एज अ स्ट्रीमर जानते हैं, उन्होंने अपने करियर के सिर्फ कुछ साल ही पबजी की स्ट्रीमिंग की थी, फिर जैसे ही इंडिया में ये गेम बैन हुआ उन्होंने दूसरे सभी गेम्स पे अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया। कई तरह के गेम्स खेले थे उन्होंने, जिसमें उनका निराला और एंटरटेनिंग ह्यूमर आज भी सभी लोगों को काफी पसंद आता है। हाल फिलहाल में वो GTA 5 रोल प्ले के करेक्टर्स को वॉइसिंग देने के साथ ही उनके मल्टीपल प्लेयर्स के साथ गेम भी खेलती हैं, साथ ही अपने चैनल पर BGMI की लाइव स्ट्रीमिंग करती हैं, और अभी पिछले साल ही उन्हें SHUL स्पोर्ट्स ने एज द कंटेंट क्रिएटर साइन किया है। इतना ही नहीं, पायल पहली फीमेल स्पोर्ट्स प्लेयर हैं जिन्होंने अपने चैनल पर 1.75 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे किए थे। पर इन सभी गेमर्स की जो बात सबसे ज्यादा खास है वो ये है कि ये सभी मिलकर सोसाइटी के माइंडसेट को चेंज कर रही हैं।
क्योंकि हम जब भी लड़की और गेम्स इन दोनों चीजों का नाम एक साथ लेते हैं तो लोगों को वो बात रास नहीं आती है। उसके बाद भी ये सभी लड़कियां इस कंपटीशन में लड़कों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं और बड़े बड़े फेमस क्लाइंट्स के साथ खेल रही हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि सभी गेमर लड़कियां भी अपने गेमिंग के जरिए लोगों को उनकी सोच बदलने का मैसेज बड़े ही एंटरटेनिंग तरीके से दे रही हैं? अपने जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।